दोस्तों, जब बात आती है दुनिया के भारी भरकम जानवरों की तो सबसे पहला नाम हाथी का आता है और उसके बाद गेंडे का, क्योंकि हाथी के बाद गेंडा दुनिया का सबसे भारी भरकम जानवर है और गेंडा भी हाथी की तरह काफी शक्तिशाली होता है। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा जब गेंडे और हाथी की आपस में लड़ाई हो गई, तो कौन सा जानवर ये जंग जीतेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको उन दोनों की काफी सारी जानकारियां बताने वाले हैं और आखिर में इन दोनों की आपस की लड़ाई देखकर हम फैसला करेंगे कि मैदान जंग का फतेह कौन है, हाथी या फिर गेंडा। वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना ताकि आप भी इनकी लड़ाई देख सकें और हमें अपना फैसला कमेंट में बता सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गेंडे की। गेंडा भी हाथी की तरह शक्तिशाली होता है और उनका चमड़ा बहुत ही मोटा होता है। अगर बात की जाए मजबूती की, तो ये हाथी के चमड़े के मुकाबले कई गुना ज्यादा सख्त और मजबूत होता है। इसलिए शेर जैसे शिकारी जानवर भी इतनी आसानी से गेंडे का शिकार नहीं कर सकते। गेंडा बड़ी आसानी से अपने से बड़े जानवर को भी धूल चटा सकता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर काफी कम माल की ताकत होती है। गेंडे के पास बचाव के लिए नोकीला सींग भी होता है, जो कि दुश्मन को काफी हद तक जख्मी कर सकता है। लेकिन गेंडे की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि उनके देखने की सलाहियत काफी कमजोर होती है, लेकिन दूसरी तरफ सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के हमले का फौरन अंदाजा लगा लेते हैं। अगर गेंडे के वजन की बात की जाए तो उनका वजन 2000 से 2500 किलो तक होता है और उनकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर और लंबाई 4 मीटर के आसपास होती है। इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी गेंडा काफी तेज दौड़ता है और उनकी रफ्तार 55 किलोमीटर घंटा होती है। आप जानते हैं हाथी के बारे में कुछ जानकारियाँ और आखिर में हम इनकी लड़ाई देखकर फैसला करेंगे आज की लड़ाई कौन जीता है और कौन हारा है। तो दोस्तों, हाथी साइज के मामले में गेंडे से भी काफी बड़े होते हैं। इस वजह से उनके शरीर में काफी कमाल की ताकत होती है और ये अपनी सूंड की मदद से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता है और भारी से भारी चीजों को भी उठाकर फेंक सकता है। हाथी का चमड़ा भी काफी सख्त होता है, जिसको चीरना शिकारी के लिए सख्त इम्तिहान होता है। और हम आपको बता दें कि जब हाथी गुस्से में आता है तो काफी तबाही मचा देता है, यहाँ तक कि अपने साथ रहने वाले साथी को भी नहीं छोड़ते। अगर हाथी के वजन की बात की जाए तो हाथी का वजन 6000 किलोग्राम तक होता है और उनकी ऊंचाई 3.5 मीटर और लंबाई 6.5 मीटर होती है। इसी वजह से हाथी काफी खतरनाक दिखाई देता है। दोस्तों, हाथी दौड़ने में भी काफी तेज होता है। उनके दौड़ने की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा होती है। हाथी और गेंडे की जानकारियां देखने के बाद अगर देखा जाए तो हाथी साइज के मामले में गेंडे से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा जानवर है और ताकत के मामले में भी हाथी गेंडे से बहुत आगे है। दोस्तों, कई बार हाथी और गेंडे के दरमियान लड़ाई हो जाती है, जिसमे गेंडों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि गेंडा हाथी के सामने कितनी देर टिक पाया है। ये सब देखने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुँचे हैं वो ये कि हाथी हर मामले में गेंडे से आगे है, इसलिए ये लड़ाई हाथी बड़ी आसानी से जीत जाएगा। आपके ख्याल में कौन सा जानवर जीतेगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए।